हाय एवरीवन सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स ये हमारा यूनिट फोर में है तो मैं आपको सिलेबस शो कर देती हूँ एक बार ये देख लीजिए यूनिट थर्ड के अंदर गिप्स पैराडॉक्स हो चुका है वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रॉक्सिमेशन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल डाटोमिक गैस हम कर चुके हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायाटोमिक गैस कर चुके हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हम कर चुके हैं लांडर थ्योरी ऑफ फेस ट्रांजिशन हम कर चुके हैं रैंडम वॉक एंड ब्राउन इन मोशन हम कर चुके हैं और लांगवे थ्योरी हम कर चुके हैं तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फोर्थ यूनिट फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल पार्टिकल एंड सिमेट्री रिक्वायरमेंट जो कि हम आज वाले लेक्चर में कर करेंगे सो so, ये है हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल एंड सिमिट्री रिक्वायरमेंट इसके लिए जो बुक मैं यूज कर रही हूँ वो है एफ रीफ ओके सो यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला जो टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ एफ रीफ में से बाकी जो इससे पहले वाले टॉपिक थे वो हमारे सत्य प्रकाश से लिए हैं इससे पहले वाले सत्य प्रकाश मैकेनिक्स की बुक आती हैं

वो हमारे पास जैसे q1 हुआ q2 हुआ q3 हुआ ये उसके जो भी हमारे पास आयत पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट qi आयत पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है qi है लेट SI s i b इन इंडेक्स लेबलिंग द पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स ऑफ दिस सिंगल पार्टिकल एग्जांपल ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ s कॉरेस्पोंड्स टू अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द थ्री मोमेंटम कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल एंड Of its direction, of spin orientation. अब जो small s है वो पार्टिकल का अगर केवल लिख देंगे तो उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें हमें उस पार्टिकल के मिल जाएंगे जितने भी उसके कंपोनेंट्स होंगे और एक उसकी स्पिन डायरेक्शन भी मिल जाएगी तो ये मोमेंटम और स्पिन की जो डायरेक्शन है मोमेंटम की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन मिला के जो स्टेट बनेगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो अगर हमें पूरे गैस की स्टेट बतानी है तो द स्टेट ऑफ द होल गैस इज देन डिस्क्राइब बाई अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर और वो यहाँ आपको ये थोड़ा सी पुरानी पुराना वर्जन है तो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एस वन एस टू एंड सोन से लेके एस एन तक तो पूरी गैस के लिए हमारे पास एन पार्टिकल है तो एस वन क्या है फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम और उसका स्पिन अब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन कैसे लिखा जा रहा है वेव फंक्शन को हम साई से रिनोट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई यहाँ पर हमने सब सब्सक्रिप्ट में एस वन एस टू से लेके एस एन तक लिखा है और ये जो साई है ना वो किसका फंक्शन होगा क्यू वन क्यू टू एंड सो ऑन क्यू का क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है Q1 Q2 है और यहाँ पे साई के नीचे क्या लिखा हुआ है ये सब्सक्रिप्ट में S1 S2 Sn लिखे हुए हैं लेट्स नाउ डिस्कस द वेरियस केसेस ऑफ इंटरेस्ट अब हमारे पास पॉसिबल क्या है एक क्लासिकल केस पॉसिबल है और एक हमारे पास क्वांटम केस पॉसिबल होगा क्लासिकल केस में जो statistics हम यूज करेंगे वो होगी मैक्सवेल अब देखो इन दिस केस ये में आपने पढ़ रखा है सेम वही है इन दिस केस द पार्टिकल आर कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है एक ब्लू कलर का होगा मान लीजिए तो दूसरा पार्टिकल रेड कलर का होगा आराम से दोनों को अगर स्विच कर देते हैं तो हम इजिली बता पाएंगे कि हाँ इनकी स्विचिंग हुई है सो एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी हाँ और एक ये भी है कि एक ही स्टेट में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है दिस क्लासिकल डिस्क्रिप्शन इम्पोजेज नो सिमेट्री रिक्वायरमेंट तो हमें इस केस में किसी भी तरह की सिमेट्री रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारे पार्टिकल अलग अलग दिखते हैं प्लस एक ही स्टेट में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं ऑन द वे वे फंक्शन में हमें कोई सिमेट्री रिक्वायरमेंट लगानी ही नहीं है कब जब दो पार्टिकल को हम एक्सचेंज या फिर इंटरचेंज करते हैं क्योंकि अगर ब्लू लेफ्ट साइड में है रेड राइट साइड में होगा तो स्विच करने के बाद रेड लेफ्ट में आ जाएगा ब्लू राइट right में चला जाएगा और वो टोटली डिफरेंट स्टेट होगी द पार्टिकल्स आर देन सेट टू ओबे मैक्सवेल बोल्डमान स्टेटिस्टिक्स इसे हम एम बी स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट क्वांटम मैकेनिकली बट इट इज इंटरेस्टिंग फॉर पर्पज ऑफ कंपेरिजन ये क्वांटम मैकेनिक्स को बिल्कुल भी नहीं क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे जाने के बाद ये स्टेटिस्टिक फेल हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करेंगे क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन इज इज ऑफ कोर्स द वन एक्चुअली एप्लीकेबल क्योंकि ये सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है बट वेन क्वान ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल अगर क्वांटम मैकेनिक्स को हम आइडेंटिकल पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं तो इट इम्पोजेस डेफिनेट सिमिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑन द वे फंक्शन अंडर इंटरचेंज ऑफ एनी टू आइडेंटिकल पार्टिकल तो कभी भी दो पार्टिकल होंगे जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन है अब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा अगर इनको कोई स्विच भी कर दे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वहां एक्सचेंज हुए हैं पार्टिकल इंटरचेंज हुए हैं तो यहां पर हमें सिमेट्री रिक्वायरमेंट की हमें कुछ ना कुछ सिमेट्री रिक्वायरमेंट लगानी पड़ेगी जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो वेन काउंटिंग द डिस्टिंग पॉसिबल स्टेट एक्सेसिबल टू द होल गेज द पार्टिकल मस्ट दस बी कंसिडर्ड एज इंट्रेनजिकली इनडिस्टिंगल इस कंडीशन में जो पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि दो पार्टिकल बिल्कुल सेम है और उनको देख के हम पता नहीं लगा सकते पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है ठीक है दीज पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द गैस इट डज देन नॉट मैटर वेद द पार्टिकल इन विच स्टेट तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा पार्टिकल कौन सी स्टेट में है क्योंकि सारे पार्टिकल सेम तरह के दिख रहे हैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी वैसे रेसिस्ट है देना नहीं चाहिए जैसे कि मान लीजिए कि हम चाइना में अगर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे चाइनीज जो होते हैं वो सेम ही दिखते हैं तो अगर वो अलग अलग घर में रह रहे हैं तो कौन सा कौन, सा, कौन से घर में रह रहा है हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारी नजरों में इंडियंस की नजरों में चाइनीज जो है बिल्कुल सेम तरह से दिखते हैं यहाँ पर वैसी ही कुछ बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा

Under of any two तो is, देखो, में कोई नहीं लगी थी क्वांटम मैकेनिकल में दो केसेस हैं अगर पार्टिकल इंटीग्रल डिस्पिन के हैं तो सिमेट्री रिक्वायरमेंट ये होगी कि जब भी दो पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे तो वे फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए ये इसकी सिमेटरी रिक्वायरमेंट है तो साई यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्यू जे और यहाँ पे लिखा है क्यू आई अब हमने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे आ गया क्यू आई और यहाँ पे आ गया क्यू जे और ये दोनों वेव फंक्शन क्या है बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है so, है पर ये लिख रखा है कि हमने यहाँ पे जो एस वन एस टू एस एन है उनको ऐसे फॉर द सेक ऑफ ग्रेविटी हमने ओमिट कर दिया आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साई एस वन एस टू से लेके एस एन और फिर ब्रैकेट में आप यहाँ से स्टार्ट करके क्यू जे और फिर यहाँ पे क्यू आई और इस तरह से लिख के और उसको इसके इक्वल कर सकते हैं ठीक है दस इंटरचेंज ऑफ टू पार्टिकल डज नॉट लीड टू अ न्यू स्टेट ऑफ द होल गैस तो सिमेट्री रिक्वायरमेंट क्या आई कि अगर हमने पार्टिकल को इंटरचेंज कर दिया तो हमें वापस वो की वही स्टेट मिल गई द पार्टिकल मस्ट देयर फॉर बी कंसिडर्ड एज जेन्युइनली इनडिस्टिंग्विशेबल इसका मतलब जेन्युइनली वो इनडिस्टिंग्विशेबल है हमें पता ही नहीं चला कि पार्टिकल एक्सचेंज हो गए There is also no restriction of how many particles can be in any one single particle state S.

हाफ इंटीग्रल अब इसके जो है वो क्या दे सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन दे सकते हो ठीक है तो उस कंडीशन में हमारे पास सिमेट्री रिक्वायरमेंट क्या है सिमेट्री रिक्वायरमेंट आपके पास ये है दैट द टोटल वेव फंक्शन आई द टोटल वेव फंक्शन आई मस्ट बी इस बार सिमेट्रिक होना चाहिए अंडर इंटरचेंज ऑफ एनी टू पार्टिकल तो साई लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है क्यूजे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू आई एक्सचेंज करते यहाँ आ गया क्यू आई और यहाँ लिखा हुआ है क्यूजे लेकिन वेव फंक्शन के आगे क्या लग गया नेगेटिव साइन लग गया तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि जब भी दो पार्टिकल को इंटरचेंज करेंगे तो जो वेव फंक्शन है वो अपना साइन चेंज कर लेगा ठीक है तो इंटरचेंज ऑफ टू पार्टिकल डज नॉट तो न्यू स्टेट नहीं आई है बस वही स्टेट आई है विद नेगेटिव साइन आपके पास आ गई ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास में इस कंडीशन में अ जो कंडीशन है कि आपके पास कितने भी स्टेट रह कितने भी पार्टिकल्स जो एक स्टेट में रह सकते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है हमारे पास में इसमें आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है बस एक लाइन और लिख देना है आपको कि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अपोजिट स्पिन के दो पार्टिकल एक में रह सकते हैं सो so, रेस्ट्रिक्शन क्या है देर कैन नेवर बी मोर देन वन पार्टिकल इन एनी गिवन सिंगल सिंगल पार्टिकल स्टेट में सिंगल पार्टिकल ही रहेगा दो नहीं रहेंगे और इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं फर्मियोन कहते हैं बाकी की आप पढ़ लेना ये ये इजिली है आपको समझ में आ जाएगी ठीक है सो so, यहाँ पे हमारे पास अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास तीन स्टेट है वन टू थ्री और दो पार्टिकल है ए एंड बी ठीक है और हमारे पास स्टेट है वन टू थ्री उनको अगर हमें तीनों स्टेटिस्टिक्स में अरेंज करना हो तो सबसे पहले मैक्सवेल बोर्डवान में उनका अरेंजमेंट कैसा होगा तो मैक्सवेल बोर्डवान में क्योंकि वो बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल है तो या तो दोनों वन में रहेंगे या दोनों टू में रहेंगे या दोनों थ्री में रहेंगे फिर ए और बी वन और टू में रहेंगे बी और ए वन और टू में रहेंगे ए और बी वन और थ्री में रहेंगे बी और ए वन और थ्री में रहेंगे ए और बी टू और थ्री में रहेंगे बी और ए ये सारी तो कितने स्टेट्स हमें मिली है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन तरह के कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिले हैं तो थ्री का स्क्वायर नाइन पॉसिबल स्टेट्स हो गया होल गैस yes के लिए अगर वो आइंस्टीन में रखेंगे तो पार्टिकल को आइडेंटिकल होते हैं आइडेंटिकल होने में आपके पास दोनों एक में दोनों दो में और दोनों तीनों में रह सकते हैं या फिर वन और टू में ए ए और वन और थ्री में ए ए और टू और थ्री में ए ए तो वन टू थ्री फोर फाइव पॉसिबल स्टेट है और फर्म्यून में ये और डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक में स्टेट में एक ही रह सकता है तो वन टू वन थ्री और टू थ्री केवल तीन आपके पास आ जाएगा वैसे इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब तीनों स्टेटिस्टिक्स को अपन डिटेल से पढ़ेंगे सो तो ये था आपका आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड सिमिट्री रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक